Okay, let's clap for Aditya. मेरा टॉपिक है जी सोनम गुप्ता. सोनम गुप्ता के आसिक की गलियों में गंदगी थी इसलिए वो बेवफा हो गई. अब देखिए बड़े बड़े लोगों की प्रतिक्रिया कैसी, प्रतिक्रियाएं कैसे आ रही. ना ना अच्छा है भगवान की दया से सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, कमी है तो बस सोनम गुप्ता की. सोनम तुम जहाँ कहीं भी हो तू आ जा, तू मेरी जान है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी पहचान है, तू मेरे आधार कार्ड की फोटो है, तू मेरा अकाउंट नंबर है, तू मेरे चेक की सिग्नेचर है, तू सब कुछ है. अच्छा है तू आ जा. प्रतिक्रिया मीडिया ने सोनम गुप्ता के बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन प्यार के दुनिया में जितने भ्रष्टाचार है उसको मटाने के लिए मैं जंतर मंतर से धरना धरे. मुझे तो सपना नहीं उठा. शोनम में कहा दम था, मेरी पिछली वही डूबी सहा पानी कम था. अरविंद केजरीवाल साहब, ये मोदी जी की चाल है जी. मोदी जी ने सोनम गुप्ता को छुपा के रखा है जी. 2000 करोड़ की स्कीम क्या है लोगों ने, आम आदमी जानना चाहते हैं सोनम गुप्ता का है जी. सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं, कोई किसी को पता नहीं. मोदी जी ने छुपा के रखा है. मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा जी, उसके खिलाफ मैं अपील करूंगा जी. सोनम गुप्ता के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होने चाहिए. अरे बेवफा होने चाहिए जी. और जितना भी बेवफा लोग हैं सरकार उनको मुआवजा दे. और हम अपने तरफ से उसको भैंसिया का दूध पहुँचवाए. ये हमारे भैंसिया है. अब मोदी जी की देखिए प्रेम मित्रा. सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है. यदि किसी इंसान के गलियों में, किसी आसिफ के गलियों में इतने गंदगी हो उनमें नाक नहीं दिए जाए तो क्या वहाँ सोनम गुप्ता को जाना चाहिए क्या? मैं पूछता हूँ, सोनम गुप्ता को जाना चाहिए क्या? और सोनम गुप्ता ने यही किया. यदि कोई लड़की अपने आसिक के गलियों में जाना बंद कर दें तो क्या उन्हें बेवफा कर देनी चाहिए क्या? मैं पूछता हूँ, बेवफा कर देनी चाहिए क्या? सोनम गुप्ता बेवफा नहीं. Thank you very much.